नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका शहर आपकी खबर में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस की फीडबैक बैठक संपन्न हो गई है। अजमेर और जोधपुर संभाग के विधायकों से संवाद किया सीएम अशोक गहलोत। कांग्रेस वॉर रूम से निकले। महंगाई राहत कैंप पर रहा खासतौर पर फोकस। महंगाई राहत से मेहनत पर चुनाव टिकट मिलेगा। महंगाई राहत कैंप में मेहनत जिसकी ज्यादा होगी उसी को चुनाव टिकट मिलेगा, ये जानकारी मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, क्या कुछ रहा इस बैठक में, क्योंकि खास तौर पर फोकस तो यही निकल के आ रहा है कि महंगाई राहत कैंप पर रहा। देखिए खुशबू, जैसा आपने बताया कि महंगाई राहत कैंप पर भी इस पूरे बैठक का लबोलुआव है। महंगाई राहत कैंप किस तरीके से आयोजित किया जाने, विधायकों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहना है, उसके साथ में चुनाव जीतने के लिए क्या किया जाना चाहिए, सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रियता बढ़ानी चाहिए विधायकों को, कौन उनके अकाउंट हैंडल कर रहा है, अगर कोई और एडमिन बना रखा है तो उसके नाम नंबर विधायकों से पूछे हैं, और कुल मिलाकर विधायकों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाएं और लोगों के बीच लेकर जाएं। विधायकों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी विधायकों के कंधों पर दे दी गई है जिससे उनको इस बात का एहसास हो कि पूरा अभियान उन्हीं के कंधों पर टिका हुआ है, और जब जिम्मेदारी का एहसास होगा तो वो ज्यादा सक्रियता से इसमें अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये कि हर विधायक की आस होती है कि वो दोबारा टिकट मिले उसे और वो जीत करके हाउस में आए, तो टिकट को लेकर के इस अभियान को टिकट वितरण से जोड़ दिया गया है। सरकार ने कहा है कि जो विधायक इस अभियान में अच्छी भागीदारी निभाएंगे उनकी मेहनत के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उनको टिकट देते समय इस मेहनत को कितना कंसीडर किया जाए, इस मेहनत को कितने नंबर दिए जाए, और उसी के आधार पर आगे टिकट वितरण होगा, आगे बढ़ा जाएगा। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है आज के दिन को, आज के फीडबैक को। तो अब कल फीडबैक होगा, आगे का दौर कल चलेगा, और आज का दौर अभी खत्म हो चुका है। थोड़ी देर पहले प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी निकल चुके हैं यहाँ पे। लेकिन इस दौरान ये देखने वाली बात है कि क्या इस बैठक में वो मुद्दा रहा जिसका सबको इंतजार था। हालांकि फीडबैक बैठक थी, लेकिन माना जा रहा था कि इस फीडबैक बैठक में हो सकता है कि सचिन पायलट का मुद्दा रहे, लेकिन क्या वो रहा इस मुद्दे में, निकल कर आया कुछ अंदर खाने से? देखिए, हमने जिन भी विधायकों से बात की उन विधायकों का कहना था कि सचिन पायलट का मुद्दा यहाँ चर्चाओं में नहीं रहा। तो दूसरे मुद्दे जिन पर खासतौर से महंगाई राहत कैंप वही, और आगामी चुनाव के लिए किस तरह से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, वही इस पूरे अभियान के फीडबैक कार्यक्रम के केंद्र में। ठीक है शशि, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि अब निकलने लगे, बैठक खत्म हो गई है आज के दौर की बैठक। फीडबैक लिया गया, कई सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।